नमस्कार, अर्गस अपडेट को स्वागत कुछ मिनट में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर। परी हत्या मामलें अर्गस महाखुला सा धरा पड़ा पुत्रों आउ एक षड्र चाषीटे तीन साक्षी बाबुली नायकों खास लोक कहले परी बापा। कोटिया परे गजपतिर नुआ बारघर उपरे आंध्रर लुलुप दृष्टि, ओडिशा चाष जमी को माड़ बस आंध्रर कंडमेरा गां रायगढ़ अध्यक्षों उपस्थित उत्तेजना, बारघर और गंडमेरा ग्रामवासी मुहांमुई। आसंका विधानसभा बजेट अधिवेशन चलित थर रहिब प्रश्नकाल और शून्यकाल, दैनिक दुईट अधिवेशन में चल गृह, सर्वदल बैठक पर बाचस्पति सूचना। राज्य में मंडी समस्या कथा मानिले मंत्री सुशांत सिंह, कहले अधिक अमल जो उठी पानी धान सब समस्या रा समाधान लगी चेष्टा कर सरकार, जो माने भूल कम कर छड़ा। केन्द्र विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री को चिट्ठी लिखिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, भुवनेश्वर मेराइन बायोटेक्नोलोजी प्रतिष्ठा दिगे हस्तक्षेप करने को अनुरोध, नील अर्थनीतिर अभिवृद्धि हो सहायक। एवं ओलटिला बरजात्री अटो दुर्घटन में दुई मृत बार गुरुतर, विजेपुर सर्नापाली छक बहा सारि फेर समय दुर्घटना, गुरुतर को हस्पिटा भर्ती। परी दुष्कर्म हत्या मामलें अर्गस महाखुलासा धरा पड़ा एसआईटी मुख्य अरुण पोथ्रा बड़ षड्र, एसआईटी दाखल चार्जसीटे तीन साक्षी बाबुल नायकों खास लोक अभोग आरी बापा अशोक साहू, दुर्योधन प्रधान बाबुली नायकों लोक हेले चार्जसीटे अलग कथा कहते दुर्योधन। सेपरी बाबुली नायकों ट्राक्टर ड्राइवर होती चरण प्रधान और खदल बेहरा बाबुली घर रही कम करते, सत लुचेवाक साक्षी तीन जन को मोहरा करीर बापा। गाँव दुर्योधन प्रधान आमको से दिन परी हजवा दिन सी आमको कही बालुगा झील पलि आठ जगह आम समस्त खोजी देपटे झील ना, तुम्हें बालुगा पट को जा बालुगा खोज, सी दुर्योधन प्रधान और सनातन नायक सी आमको पठाई, आम कहल गाँ खोजा, सी कह ना गाँव में ना पा गाँव से पिला रखीदे कि आमको सी बुले बाहर को आउ राति सी पिला को लेकिन तार अंग तस्करी कर चरण प्रधान बाबुली नायकर ट्राक्टर ड्राइवर ताकू भी कहुई आगुरी सी नियम भी आस कर देखनु कि जानू, खदल प्रधान भी सी बाबुली लोक तार घर करदे सी तार घर कम कर सब तार लोक आज्ञा से सी सेट करमी गोटे पवित्र बेहरा जड़ा को सेट करके आम भाई ना देकि भाई की तीन दिन तीन रात रखिक बाड़िया बारा करें किसी प्रमाण पाइले ठीक सेमती ये गोटे कल्पित गोटे कहानी सृष्टि करोहरा कर साक्षी भावे आंतु से नियम करें देखी ना कि जाणी ना से विषय किसी सीधा सड़क जावा केन्द्रमंत्री प्रकाश जावड़ेकर सांबादिक सम्मेलन को कोशिश है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने काफ़ी प्रमोट किया है, आपको मालूम है कि मोबाइल फोन 14 में सिर्फ दो था, अब 260 हो गया है, भारत दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश बन गया है। इसी क्रम में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब क्या है, पहले उद्योग लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, एक्सपोर्ट करो, रोजगार क्रिएट करो और इंसेंटिव लो। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो इसको सबसे पहले मोबाइल और कंपोनेंट के क्षेत्र में किया गया, उसके बाद बाकी 12 आई एजेंडा चुने गए। आज टेलीकॉम के बारे में हुआ जिसकी मैं जानकारी दूंगा, लेकिन एक बात देश की क्षमता और प्रतिभा कितनी बड़ी है कि हमने मोबाइल लिंक इंसेंटिव पीएलआई को अप्रैल 2020 में अनाउंस किया था यहीं पर, जबकि कोरोना अपने चरम गति पर था और जुलाई 31 उसका लास्ट डेट था अप्लाई करने का। उस समय भी कोरोना वॉज वेरी वेरी डेडली आई वुड से। इसके बावजूद दुनिया की टॉप कंपनियां और भारत की कंपनियां आई और उन्होंने 10 लाख करोड़ का मोबाइल बनाने का अपने एप्लीकेशन में दावा किया, 7 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का प्रावधान रखा
और लगभग 8 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही। आज जब हम आपसे फरवरी में बात कर रहे हैं तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं, और मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बड़ी कंपनी ने अभी तक 20,000 लोगों को नौकरी दे दी है और अगले साल तक वो 1 लाख को डायरेक्ट और 3 लाख को इनडायरेक्ट जॉब देंगे, सिर्फ एक कंपनी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 साल में वो $40 बिलियन का मोबाइल फोन बनाएंगे जिसमें 90% US, यूरोपियन यूनियन, जापानी देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो भारत में मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्ट, तो उसकी सफलता मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में ये उपलब्धि हम प्राप्त कर पाए हैं, तो इसके लिए हम सभी प्लेयर्स का अभिनंदन करना चाहते हैं और ये गति और आगे बढ़ेगी। उसी की दूसरी कड़ी के रूप में आज हमने टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आप एक बात जान लें कि भारत में जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं वो इक्विपमेंट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कोर कंपोनेंट होते हैं, स्विचिंग डिवाइस होते हैं, फिर आपके एक्सेस नेटवर्क वायरलेस इक्विपमेंट होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। इसका 50,000 करोड़ का यहाँ पर इम्पोर्ट होता है, बाहर से आते हैं, तो हमें इसको ऑफसेट करना था और मेक इन इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में आगे बढ़े। अब 5G के इक्विपमेंट्स आएंगे, बाकी आएंगे, तो इसके लिए हमें इंसेंटिव देना ज़रूरी था। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने स्टेक होल्डर से काफ़ी चर्चा की और चर्चा करने के बाद 40,000 करोड़ रुपये का तो मोबाइल का PLI था, ये PLI अभी हमने बताया है लगभग 12,195 करोड़ रुपये का। इसके दो कंपोनेंट हैं। आत्मनिर्भर भारत में हम भारत की MSME को भी प्रमोट करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू प्रमोट MSMEs ऑफ इंडिया। उनके लिए 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड है कि आपका 10 करोड़ का है तो हम आप इसमें आ सकते हैं और आगे आप ऊपर तक 50 करोड़ तक जा सकते हैं। और जनरल के लिए 100 करोड़ रुपये रखा है और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सबका डिटेल्स कैसे हम डिसबर्स करेंगे ये आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। और जो हमारा अनुमान है, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम 2,44,200 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करेंगे। इन द कमिंग 5 ईयर्स वी होप टू हैव द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ऑफ 2,44,200 करोड़, एक्सपोर्ट वर्थ 1,95,360 करोड़, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 40,000 लोगों को देंगे, और टैक्स रेवेन्यू भी लगभग आप ऐसा मान के चलें 17,000 करोड़ देश में आएगा। तो ये चर्चा करने के बाद बनाया तो लोगों ने कहना था कि अगर ये स्कीमें मिलती हैं तो भारत में हम बहुत विस्तार से अपने फुटप्रिंट को आगे बढ़ाएंगे। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मैंने बता दिया, उसके कंपोनेंट की बात मैंने बता दिया, अभी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का हमने सेकेंड शुरू किया है और जल्दी ही हम एक और PLI लेके आने वाले हैं, लैपटॉप, iPad, टैबलेट, सर्वर एक्सेट्रा के बारे में। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रक्रिया को हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। और हमारा मानना है कि ये जो पूरा, और मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं किसी देश का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पड़ोस देश की 14 फैक्ट्रियाँ भी हम ले आए हिंदुस्तान में, जिसमें कोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोबाइल के और बाकी उनके असेंबली लाइन के लोग थे। तो हम भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहते हैं, और भारत के प्रति कोरोना की मजबूरियों के बावजूद जो इतना आकर्षण बढ़ रहा है उसके 3 कारण हैं। नंबर 1, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इनकरेज किया है। नंबर 2, भारत एक बड़ा मार्केट है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार ने बहुत प्रमोट किया है। और नंबर 3, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दुनिया में जो एक रेस्पेक्ट से देखा जाता है इंडिया को,
इसकी इन टोटल सर्कमस्टेंसेस के कारण आज भारत में ये सफलता मिली है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के बारे में आज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बनाया है ये भी बहुत सफल होगा और भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनेगा इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, जो मेरी अंतिम टिप्पणी है, फिर स्मृति जी अपनी बात कहेंगी। 14 में जब हमारी सरकार आई थी, और इस फिगर को आप ध्यान रखें, 14 में हमारी सरकार आई थी तो देश का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का टोटल वैल्यू था 1,90,000 करोड़ 14-15, और 19-20 में यह हो गया है 5.5 लाख करोड़। तो फ्रॉम 1,90,000 करोड़ टू क्लोज टू 5.5 लाख करोड़ ये PLI के पहले की स्थिति है। अब PLI आया तो मैंने आपको संकेत दे दिया, तो ये पूरा संकेत इसी बात से जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी बनेगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो आज के दिन मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इसके लिए सहमति दी, और मैं अपील करूँगा सारे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स से इक्विपमेंट्स के कि कम ऑन, इंडिया इज वेटिंग फॉर यू विद दिस स्कीम, इंजॉय दिस स्कीम, विल गिव यू ऑल द हेल्प। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम स्मृति ईरानी जी से ब्रीफ करें। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में अमेंडमेंट लाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। प्रशासनिक ढांचे में देशभर में बच्चों के संरक्षण के दृष्टि से कुछ विशेष निर्णय लिए गए हैं। हर जिले में अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सम्मिलित होंगे, उनको अब अधिकार दिया जाएगा कि जो एजेंसीज जेजे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं उनकी फंक्शंस को मॉनिटर करे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत फंक्शन करेंगे। आज तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में किसी को भी सदस्य बनाने से पहले बैकग्राउंड चेक, विशेषतः उसका कोई डायरेक्शन प्राप्त नहीं हुआ था। जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में सदस्य बनाने से पहले व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक, एजुकेशनल क्वालिटीज, इन सब को भी अब सम्मिलित किया गया है। देश भर में जब किसी संस्थान को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चलाना होता तो वो प्रदेश की सरकार के पास अपना पर्पस लेकर जाते, तत्पश्चात वो रजिस्टर होते। अब जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसमें किसी भी प्रदेश में किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन से पहले उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहले उस इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी, उस इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही रिकमेंडेशन प्रदेश सरकार को भेजेंगे, जिसके अंतर्गत फिर ऐसे संस्थानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रस्ताव में ये बात भी सम्मिलित है कि अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंडिपेंडेंटली चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अडॉप्शन संबंधी भी एडमिनिस्ट्रेटिवली सभी फंक्शंस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन किए जाएंगे।
एक्ट के स्कोप को विस्तारित करते हुए जो बच्चे ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज के शिकार हुए, जो बच्चे रेस्क्यू किए गए वर्किंग थ्रू दी NCLP, जो बच्चे उनके गार्डियंस द्वारा भी अबैंडन किए गए, इन बच्चों को भी अब चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन और केयर की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। कोटिया परे गजपतर नुआ बारघर उपरे आंध्रर लोलुप दृष्टि। ओडिशा चाष जमीरे आंध्र ग्रामवासी जबरदखल करछन्ति। आंध्रप्रदेश कंडामेरा गाँ लोक नुआ बारघर जमी माड़ बसछन्ति, जहाँ को नहीं आज उत्तेजना देखा देछि। तितलीरे प्रभावित होइतिबा बारघरवासी को नुआ बारघर थैथान कराइथिला, हेले सेठारे आंध्र कंडामेरा ग्रामवासी जबरदखल जोगु आज दुई गाँवर लोके मुहांमुही होइथिले। रायगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष पहुंची बुझासुझा परे भी तांको उपस्थिति रे उत्तेजना देखा देथिला। आसंताकाल विधानसभा बजेट अधिवेशन चलित थर रश्नकाल शून्यकाल तारका प्रश्न पचारिपारे विधायक दुईट अधिवेशन में बस विधानसभा प्रथम पर्याय 10:30 अपराह्न 1:30 द्वितीय पर्याय 4 6 पर्यंत चलो स्वतंत्र दिन संध्या 7 पर्यंत गृह कार्य चलो पूर्व द्वितीय पर्याय 3-5 विधानसभा सबू तथ्य नेभा आबजेरिया मिल सर्वदल बैठक पर यह सूचना देखते बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र कालीठ आरंभ होगा बजेट अधिवेशन आसंता एप्रिल 9 पर्यंत चलो राज्यपाल अभिभाषण चलित बर्षर बजेट अधिवेशन आरंभ 22 तारीख में गृह 2021-22 आर्थिक वर्षर राज्य बजेट उपस्थापन आगर माननीय विधायक मान को मंत्री मान को निज निज सीट रे ठिया कि बसापी जो परमिशन दिया माननीय राज्यपाल अभिभाषण देला बेले ठिया कि बसिक भाषण दे पारे। नंबर दुई प्रश्नकाल रपणकर स्टार क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन रे नंबर दुई। नंबर तीन प्रथम दिन 1:00 विधानसभा आरंभ माननीय राज्यपाल भाषण परे परे अभिचारी कार्यक्रम एवं आउ जदि कौन बिल फिल विधानसभा आसवा करा विधान सचिव पढ़े से दिन हाउस सेटलमेंट हो प्रश्नकाल घंटा चलो जीरो आवर घंटा चलो एवं सकाळे साढ़े प्रत्येक दिन 10:30-1:30 पर्यंत विधानसभा चलो मध्यान 4:30 दुई घंटा अधे विधायक मानक रेस्ट दिजिव घंटा अधे पर 4:00-6:00 पर्यंत विधानसभा चलो। विधानसभा रे जो मुख्य प्रसंग आडजमेंट मोशन तापर सरकार दल कहते गोटे घंटा आम दाबी कलु देढ़ घंटापाई से अनुसार देढ़ घंटा है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 3:00-5:00 पर्यंत जो सेकेंड हाफ थिला से परिवर्तित कर 4:00-6:00 पर्यंत कर। कल्लापाट अभयारण्य हाथी मोड़क घटना। कल्लापाट अभयारण्य लगला ट्रैप और ड्रोन कैमेरा थर्माल सेंसिंग ड्रोन कैमेर हाथी उत्तापुर रोग संपर्क में जानब। साधारण ड्रोन कैमेर हाथी गतिविधि लक्ष्य कर ट्रैप कैमेरा निकटे कदमी आंटीबायोटिक दि जाए फल हाथी कदमी खाला कि नहीं जमापड़। राज्यर अन्य अभयारण्य निकटवर्ती समस्त गांवर गृहपात पशु मान टीकाकरण करने को निर्देश दीजिए सूचना देखते PCCF शशिपल। गत कल्लापाट जा स्थित परखीते PCCF कलाहांडी कल्लापाट अभयारण्य छह हाथी मृत्युर कारण ह्यूमरेजिक सेप्टिसेमिया, जहाँकि राज्य प्रथम। यह भूताण संक्रमण जो गोटे पर गोटे हाथी मृत्यु होती बाकी बंची दुई हाथी बंचाईवाक राज्य सरकार पक्षर् प्रस्तुति आरंभ होता बेले हाथी होगर कारण खोजा चली।
ତା ବାଦେ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର ମନିଟରିଂ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆପଣ ଲୋକ ତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବି ସେଠି ଲଗା ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଡ୍ରୋନ୍ର ସହାୟତା ବି ସେଥିରେ ନିଆଯାଉଛି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ସେ ୱାଟର ବଡି ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଠି ତାକୁ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବି କରାହେଇଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମେରେଜିକ୍ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ହାତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ମଡ଼କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଟ ସ୍ଥିତି ନେଲାଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ପାଇଛି ତ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଆ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ହାତୀର ଗତିବିଧି ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯେଭଳି ହାତୀ ମଡ଼କ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପିସିସିଏଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କିଭଳି ହାତୀ ମଡ଼କ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ତାପରେ ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କଲାପଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ପୁରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କାହିଁକି ଏଇ ହାତୀ ମଡ଼କ ଘଟୁଛି ଆ ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କୁହାହଉଛି ନୂଆ ଭାଇରସ ନୂଆ ରୋଗ କଥା କୁହାହଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସେଠି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ହାତୀର ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାଦ୍ୱାରା ଜଣାଯିବ ଯେ ହାତୀର ଉତ୍ତାପ କେତେ ରହୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଏଇ ରୋଗ ସେଠି ବ୍ୟାପୁଛି ସେ ବିଷୟରେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ତା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି ପିସିସିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମଡ଼କ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତ ଦୀପେଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଯିବ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଏଭଳି ରୋଗ ପ୍ରଥମରୁ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଇନି କେବଳ ଏଇଟା ହାତୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇ ରୋଗଟି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଜନ୍ତୁକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି କି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ହିସାବରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ପିସିସି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା ଯେଉଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ଜଳ ରହିଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେଉଁପାଇଁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏଭଳି ନୂଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁପାଇଁ ହାତୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଶୋଧନ କରାଯିବ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀମାନେ ସେଇ ପରିବେଶ ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ପରିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଦଳୀ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଟ୍ରାପ୍ କରାହଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗତିବିଧି ଟ୍ରାପ୍ କରାହଉଛି ଆଉ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହଉଛି କି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ହାତୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ 2 ହାତୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପିସିସିଏଫ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସେ ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପିସିସିଏଫ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ରେଖ୍ୟାମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେହେତୁ କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ମଡ଼କ ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାର ଯେଉଁଥିରେ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହାତୀକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ହାତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ରଖିବା ନମସ୍କାର